चेंजेस लाऊंगा। और उन्होंने देखो टीम दी है, आधी टीम जोश वाली है आधी होश वाली, मतलब युवा और बुजुर्ग। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इन्होंने सभी वर्गों को तजुर्बा दिया है और वो दिया है, उत्तर भारतीयों को भी दिया है, साउथ इंडियनों को दिया है, महाराष्ट्र लोगों को दिया है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब काम और बढ़ने वाला मेरे ख्याल से, क्या ऐसा काम है बांद्रा जनसभा में जो करने जा रहे हो आप लोग? देखिए, हमारा नेता जो आदरणीय श्री भाई दत्ता जी, वो काम पे विश्वास करते हैं। उन्होंने देखा होगा मेरे में कुछ काम करता हूँ, और मैं आज 22-23 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ, और मैं काम पे विश्वास करता हूँ, और मैं उनका विश्वासघात नहीं करूँगा। वो जो मेरे पे विश्वास किए उन्होंने, मैं उस पर खड़ा उतरूँगा। कौन से ऐसे कार्य है जो अभी बाकी है करने, जैसे बहुत सारे काम, नगर सेवक हो गए, बात करें उनकी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कौन से ऐसे काम है जो करना चाह रहे हो? नगर सेवक का जो पार्टी तय करेगी, अध्यक्ष चुनाव खड़े होंगे आप? हाँ, अध्यक्ष जो तय करेंगे और जिसको लड़ाएंगे उसके साथ हम खड़े होंगे। जी सर, राजेश सर आप क्या कहेंगे सर, आप शिक्षित क्लास में भी हो, क्या कहना चाहेंगे आज? ऐसा है कि हमारा जो नेता है, इस बार हमें मामले में एक ऐसा नेता मिला है जो बिल्कुल तेज तर्रार, और उनका एक ही मकसद है, अगर मुंबई में जो मेयर आएगा या तो कांग्रेस का आएगा या कांग्रेस के सिवाय आएगा। हमारी जो टीम का एक लक्ष्य है कि हमारा लीडर का सपना साकार करना, और उन्होंने जो टीम बनाई है उसमें बुजुर्ग भी है, यंग भी है, लेडीज भी है, मुस्लिम भी है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, सभी तबके को एक तरफ का उन्होंने ये दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया है। और अभी उन्होंने जो दिसंबर में जब उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद अर्णव के खिलाफ एक उन्होंने फंक्शन किया, पूरे बॉम्बे में एक हवा सा बना है कांग्रेस में। जो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस 30 में चिमट के रह गई है, कांग्रेस एक मोटा पार्टी हो गई है, उन्होंने उस पर डिवाइड किया है। और अभी फिलहाल एक 15 दिन के लिए कोविड के कारण हम रुके हैं, और अभी एक नए जोश के साथ, एक नई टीम के साथ हम फिर रहे हैं। अर्जुन सर आप क्या कहेंगे सर? मुंबई शहर के लिए जैसा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए था, ये पहली बार ऐसे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिले हैं जो कि कार्यकर्ताओं के मसीहा बने हैं, जो भी कार्यकर्ताओं को पद देना चाहिए, हर समाज को एक तरह देखना चाहिए, और किस तरह हमें लड़ाई लेना सामने की पार्टी से, किस तरह हमें इलेक्शन लड़ना है, किस तरह कांग्रेस को गठबंधन में जीत दिलाना है, ये गुण जो है उनके अंदर है। उन्होंने हम लोगों को ट्रेन कर दिया है, बहुत विश्वास करके हम लोगों को उन्होंने इस पद पर लिया है, इसको हम लोग बाखूबी निभाएंगे। यहाँ कह रहे थे कि 5 कम से कम नगर से होना चाहिए बांद्रा से, लगता हो जाएंगे 5? पार्टी ने सोचा है, पार्टी का काम, और आज आप देख रहे हो बीजेपी के लोग नाराज है, तो 5-6 में से 5 आना पक्का। बाबू जी, हाल ही में मीडिया में खबर आई है कि भाई जगताप के भांजे को भी कमेटी में लिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, भाई जगताप का भांजा किसी का भांजा है, किसी का बेटा होना कोई गुनाह नहीं है। आज आप जिसकी बात कर रहे हो, अनंत यादव जी ने 20 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, बुरोली विधानसभा से वो कार्य करते हैं, और उनको जो पद मिला सचिव का मिला है, अगर भाई जाते तो उनको उपाध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी में, मगर उन भाई ने उनको काम के नाते दिया, परिवार के नाते नहीं दिया। और दूसरा धीरज सिंह और जयप्रकाश सिंह, वो बाप बेटे दोनों कमेटी में, तो धीरज सिंह युद्ध से आया, अब उसको जनरल सेक्रेटरी दिया है, बाप को उसके पिताजी को जयप्रकाश सिंह जी को हमारे उपाध्यक्ष दिया, तो ये काम भी दिया, कोई परिवारवाद नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कोई परिवारवाद नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमारे जो युवा नेता है, उसके भाई एक साथ मैं उनको युवा ही बोलूँगा, जिस तरीके से उन्होंने पप्पू ठाकुर जैसे हमारे बड़े भाई को कमेटी में लिया है, हमारे युवाओं में एक अलग तरह का जोश आ गया है। पप्पू भाई को आप आधी रात को भी फ़ोन करो तो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम चाहते थे कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन मिले। और मैं ये बोलना चाहूँगा एक दावे के साथ में, फेरवाड़ी से उन्हें 4 या 5 या 6 नगर सेवक जाए, पर एक नगर सेवक हमारा पप्पू भाई जाल में भी जा चुका है, इसलिए मैं उनसे बधाई के लिए और अच्छा तुम बोल सकते हो। हमने सबको बोला था कि कोविड है भैया, कम लोग आए, और आप चाहते हो तो हम लोग चाहते तो नीचे का और भी बढ़ सकते, अगर आपने देखा सोशल डिस्टेंस है, लोग बैठे थे,
और हमने कमी कम से कम कार्यकर्ताओं को अभी लोगों का प्यार है तो और अर्जुन भाई जैसे वरिष्ठों को कमेटी में लिया है, राजेश कोटियन जैसे लोगों को लिया है, संजू बागड़ी है और भी लोग यहाँ जिला अध्यक्ष भी आने वाले थे, तो लोगों का प्यार है, कार्यकर्ताओं का प्यार है, कांग्रेस के प्रति प्यार है। तैयारी कहीं चल रही है, अभी आगे क्या तैयारी चल रही है, क्या प्लान्स क्या आपके आगे? हमारा प्लान देखो, अध्यक्ष जी ने बताया था 100 दिन का 100 वार्ड में घूमने का, मगर कोरोना काल की वजह से 31 तक सारे कार्यक्रम रद्द हो गए। वैक्सीन के बारे में कुछ सोच रहे, वैक्सीन क्या करना? वैक्सीन मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाए।